नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। सिक्योरिटी के रिवीजन का ये हमारा 9th लेक्चर है। इस वीडियो में हम फरवरी महीने के सिक्योरिटी से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक्सरसाइज संप्रीति के बारे में है। ये एक्सरसाइज देखो, ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच ऑर्गेनाइज होती है। एक साल ये एक्सरसाइज बांग्लादेश में कंडक्ट होती है तो अगले साल इंडिया में। इस प्रकार से अल्टरनेट रूप से दोनों देशों में ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती रहती है। पिछली बार इस एक्सरसाइज का 8वां एडिशन बांग्लादेश में कंडक्ट हुआ था टेंगेल में, और अब 9वां एडिशन इस एक्सरसाइज का स्टार्ट होगा 3 फरवरी से। कहाँ पर कंडक्ट होगा एक्सरसाइज का ये 9वां एडिशन? मेघालय में, उमरोई में। आगे डेकोरेटिव सी बातें हैं, जैसे ये एक्सरसाइज दोनों देशों की आर्मीज के बीच पॉजिटिव रिलेशंस को प्रमोट करती हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है दोनों देशों के मिलिट्री को एक दूसरे से इस एक्सरसाइज के थ्रू। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मातला अभियान के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? इंडियन नेवी के द्वारा 5 दिनों की एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्ट की गई और इसी का नाम है मातला अभियान। बांग्लादेश के साथ हमारा जो रिवराइन बॉर्डर है, यानी रिवर इंडिया और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर बनाती है, उस रिवराइन बॉर्डर के नज़दीक ये मातला अभियान कोस्टल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई इंडियन नेवी के द्वारा। इस एक्सरसाइज का नाम जो रखा गया है वो मातला रिवर के नाम पर रखा गया है। मातला रिवर एक टाइडल रिवर है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल के साउथ 24 पारगनास डिस्ट्रिक्ट में। और मातला रिवर सुंदरबंस और सुंदरबन के आसपास एक बहुत बड़ी एस्चुरी बनाती है। देखो, मानसून सीजन के दौरान इस रिवर में बहुत ज़्यादा उफान होता है, और मानसून सीजन में पैसेंजर्स को फेरी की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित होता है। जबकि ड्राई सीजन में इस मातला रिवर में बहुत ज़्यादा सिल्ट यानी गाद जमा हो जाती है। और ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करें मातला अभियान के बारे में। एम देखो इस एक्सरसाइज का ये है, कोस्टल इलाकों में जो कमिटीज रहती हैं उनमें कोस्टल सिक्योरिटी से संबंधित जागरूकता पैदा करना, उनसे इंटरेक्ट करना। इसके अलावा ये भी समझना, सुंदरबन डेल्टा के पानी में अगर बोट वेसल या फिर सिप ले जाया जाता है तो नेविगेशन में क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। INS करंज, जो कि 3rd स्कॉर्पियन सबमरीन है, करंज को इंडियन नेवी को दिसंबर 2020 तक डिलीवर कर दिया जाएगा। INS करंज प्रोजेक्ट 75 का पार्ट है, जिसे जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था, और अभी जो INS करंज है वो सी ट्रायल्स के लिए भेजा गया है। इसके ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इसे नेवी को सुपुर्द कर दिया जाएगा। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब इसमें डीजल इंजन का भी इस्तेमाल होगा और इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल होगा। एक्चुअली में बैटरीज होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, और उन्हीं उसी इलेक्ट्रिसिटी से ये सबमरीन रन करती है, चलती है। डीजल का इंजन होता है जो इस इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने वाली बैटरीज को चार्ज करता है। तो डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन का मतलब तो आप समझ गए, मतलब डीजल के इंजन होंगे जो बैटरीज को चार्ज करेंगे, वो बैटरीज इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे जिससे ये सबमरीन चलती हैं। ये स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, जिसे फ्रेंच नेवल डिफेंस एंड एनर्जी ग्रुप DCNC के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, और साथ ही साथ इसमें मैन्युफैक्चरिंग में जो डिज़ाइन जो है वो तैयार किया गया है फ्रेंच नेवल डिफेंस एंड एनर्जी ग्रुप के द्वारा। जो मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है वो मेजागांव डॉक लिमिटेड के द्वारा की जा रही है, जो कि इंडिया का एक शिपयार्ड है मुंबई में। तो यहाँ पर दो बातें मैंने आपको बता दी कि जो डिज़ाइन तैयार किया गया है वो फ्रेंच नेवल डिफेंस एंड एनर्जी ग्रुप के द्वारा किया गया है, और जो मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है वो मेजागांव डॉक लिमिटेड के द्वारा की जा रही है। जो फर्स्ट स्कॉर्पियन सबमरीन थी, दैट वाज कुलवारी, जिसे 2018 में कमीशन कर दिया गया था। जो सेकंड स्कॉर्पियन सबमरीन थी, दैट वाज कंधेरी, जो सितंबर 2019 में इनकॉर्पोरेट करी गई थी इंडियन नेवी में और काफ़ी न्यूज़ में भी रही थी। और यह है तीसरी, INS करंज। INS करंज जो स्कॉर्पियन सबमरीन है, ये एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम से इक्विप्ड है। एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक प्रकार की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, मतलब डीजल के इंजन्स होते हैं जो बैटरीज को चार्ज करते हैं, उन बैटरीज से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, ये सबमरीन चलती है।
डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के साथ दिक्कत ये होती है कि जो बैटरीज चार्ज की जाती हैं वो 4-5 दिन में डिस्चार्ज हो जाती हैं, उनको वापस से चार्ज करना पड़ता है। जब उनको वापस से चार्ज करना पड़ता है तो उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो डीजल इंजन चलेगा उसमें हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। तो ऑक्सीजन को लेने के लिए वो पानी के सरफेस पे आते हैं। वैसे तो सबमरीन डूबी रहती है, लेकिन एक पाइप पानी के ऊपर आती है जो ऑक्सीजन की सप्लाई करती है इंजन को, जिससे ये इलेक्ट्रिक इंजन चलता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बैटरीज चार्ज होती हैं। अब इसमें खतरा हो जाता है इस सबमरीन के डिटेक्ट होने का। कई सारे जो रडार्स वगैरह हैं वो इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। सबमरीन की ताकत क्या होती है? सबमरीन की ताकत होती है इसकी स्टेल्थ, यानी कि छुपने की शक्ति। और अगर वो सरफेस पे आके खुद को दिखा दे तब तो दिक्कत हो जाएगी। हालांकि ऐसा पेंट किया जाता है उसको या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कि रडार्स उसे डिटेक्ट ना कर पाएं, स्टिल अच्छी टेक्नोलॉजी की जो रडार्स हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर ये खतरे में पड़ जाती है। इसीलिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि जो डीजल का इंजन चलेगा उसे एक्सटर्नल एयर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए कई बार ऑक्सीजन को स्टोर करके सबमरीन में रखा जाता है जो डीजल इंजन को रन कर सके और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले बैटरीज को चार्ज कर सके। और भी कई सारे तरीके अपनाए जाते हैं। जो AIP मॉड्यूल है वो सबमरीन को ज़्यादा स्टेल्थ प्रोवाइड करवाता है, मतलब वो काफ़ी लंबे समय तक छुप के रह सकते हैं, जो कि सबमरीन की सबसे बड़ी पावर होती है। हालांकि देखिए, लंबे समय तक छुपने के लिए जो न्यूक्लियर सबमरीन होती हैं वो भी ज़्यादा कारगर साबित होती हैं, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन पहली बात तो महंगी होती हैं, वो हाई सीज के लिए तो ठीक है बट उनके लिए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होती है जो सभी देशों के पास नहीं होती। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बार आपने न्यूक्लियर सबमरीन बना ली तो आप उसमें कोई और इंजन फीड नहीं कर पाते, वो उसी के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन होती है। लेकिन जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है उसमें अलग तरीके के इंजन को भी फीड किया जा सकता है, तो ये फ़ायदा होता है। अगर उनमें एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम इंकॉर्पोरेट कर दिया जाए तो इनकी काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटी हो जाती है। और जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं उनके साथ दिक्कत ये है कि वो हाई सीज में तो बढ़िया काम करती हैं, मतलब गहरे समुद्र में तो बढ़िया काम करती हैं, लेकिन स्वैलो सी में, जहाँ पर जो ज़मीन है वो थोड़ी उथली हो, वहाँ पर वो बहुत इफेक्टिव साबित नहीं होते। वहाँ पर ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स काफ़ी कारगर साबित होती हैं। देखिए, जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं ये समटाइम्स न्यूक्लियर सबमरीन से भी कारगर साबित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन्स में हमेशा एक कूलेंट काम करता रहता है। वो कूलेंट कुछ न कुछ आवाज़ तो करेगा जिससे उसके डिटेक्ट होने का खतरा रहता है, जबकि जो ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं ये बिल्कुल आवाज़ नहीं करते, बिल्कुल शांत रहते हैं, तो इस लिहाज से इनको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, स्पेसिफिकली अगर ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। तो तीन जो सबमरीन्स हैं उनका हमने जिक्र कर लिया है, बाकी की जो रिमेनिंग सबमरीन्स हैं दो आर वेला, वागीर और वक्शीर, जो कि अभी आने वाले समय में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, उनका ट्रायल चलेगा। वो लखनऊ डिक्लेरेशन से रिलेटेड है, न्यूज़ में क्यों है? देखिए, अभी हाल ही में इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर्स कन्क्लेव आयोजित किया गया और ये पहला इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर्स कन्क्लेव था जो लखनऊ में आयोजित किया गया है। इसी के साथ साथ एक डेफ एक्सपो 2020 को भी आयोजित किया गया। डेफ एक्सपो, इसमें दो वर्ड्स हैं, डेफ का मतलब है डिफेंस और एक्सपो का मतलब है एक्सपोजिशन, जिसका मतलब होता है प्रदर्शनी। तो ये जो डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है, इसी दौरान एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन को भी अडॉप्ट किया गया। तो जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन इंडिया और अफ्रीका के द्वारा अडॉप्ट किया गया उसे ही कहा गया है लखनऊ डिक्लेरेशन। जानते हैं लखनऊ डिक्लेरेशन है क्या? लखनऊ डिक्लेरेशन काउंटर टेररिज्म और वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को रोकने से संबंधित है। इस डिक्लेरेशन में इस बात पर जोर दिया गया कि इंडिया और अफ्रीका एक स्ट्रांग इंटरनेशनल पार्टनरशिप स्टैब्लिश करेंगे जिसके माध्यम से वो आतंकवाद और वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? इसके लिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग करी जाएगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग करी जाएगी। अगर इंडिया के पास कोई इंफॉर्मेशन है आतंकवाद से संबंधित तो वो अफ्रीका को शेयर करेगा, अफ्रीका के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो इंडिया को शेयर करेंगे, जिसके माध्यम से हम टेररिज्म को रोक पाएंगे। देखिए, आतंकवाद भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। हम प्रयास करते हैं कि जब भी कोई फॉरेन पावर इंडिया के साथ हो तो वो इस मुद्दे पर बात करे और हमारा साथ देने को तैयार हो। तो जब भी कोई फॉरेन पावर या फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज इस बारे में हमारा समर्थन करते हैं, इसे एक अचीवमेंट के रूप में देखा जाता है। इस डिक्लेरेशन में ये भी बात की गई
कि यूनाइटेड नेशंस के जो काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स हैं उनको भी हम स्ट्रॉन्ग करेंगे मिलकर। जैसे कि अगर यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल ने किसी रिजीम के ऊपर आतंकवाद को लेकर सैंक्शंस इम्पोज करे हैं तो हम उसके साथ स्ट्रिक्टली कंप्लाई करेंगे और उसे फॉलो करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर कई सारे और एरियाज में कोऑपरेशन की भी बात की गई, जैसे कि जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन हैं, मैरिटाइम क्राइम्स को रोकना, डिजास्टर को रोकना, पायरेसी को रोकना, इलीगल एक्टिविटीज़ को या इलीगल अनरेगुलेटेड और अनरिपोर्टेड जो फिशिंग हो रही है उसको भी रोकना, जिसके लिए हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और सर्विलांस करेंगे। तो इंडिया और अफ्रीका आपस में कोऑपरेट करेंगे, ये सारी बातें लखनऊ डिक्लेरेशन में करी गई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल सरंग आर्टिलरी गन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने सरंग आर्टिलरी गन को सौंप दिया है अपग्रेड करके इंडियन आर्मी को। देखो, काफ़ी साल पहले चेसिस आर्टिलरी गन हमने इंपोर्ट की थी जो कि 130 mm M46 आर्टिलरी गन थी। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा इसी चेसिस आर्टिलरी गन को अपग्रेड कर दिया गया है 155 mm 45 कैलिबर आर्टिलरी गन में। रेंज भी इंक्रीज हो गई है। चेसिस आर्टिलरी गन की रेंज थी 27 किलोमीटर और ये जो अपग्रेडेड सरंग आर्टिलरी गन है इसकी रेंज है 36 किलोमीटर। एक्सप्लोसिव कैपेबिलिटी भी बढ़ गई है और डैमेज करने का जो पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज हो गया है सरंग आर्टिलरी गन में। पहले जो चेसिस आर्टिलरी गन थी उसमें डैमेज करने का पोटेंशियल कम था। इसके अलावा इंडियन आर्मी की दूसरी आर्टिलरी गन्स की बात करें, ऑलमोस्ट देखो 30 साल बाद हमने फर्स्ट मॉडर्न आर्टिलरी गन सिस्टम को इंडक्ट किया था इंडियन आर्मी के द्वारा नवंबर 2018 में। इसमें M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर ये हमने USA से परचेज किए थे। K9 वजर टीम सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स ये साउथ कोरिया से इंपोर्ट किए। इसके अलावा आर्मी के पास पुराने बैटल प्रूवन बोफोर्स 155 mm गन्स हैं जो अभी सर्विस में हैं। इसके अलावा 155 mm धनुष टाउट गन सिस्टम इनको डेवलप किया गया है बोफोर्स गन्स के आधार पर ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा। अभी इनको इंडक्ट नहीं किया गया है, ये अंडर इंडक्शन है। वैसे देखो पिछले साल अक्टूबर में इंडियन आर्मी के द्वारा 155 mm एक्स कैलिबर प्रिसीजन गाइडेड एमनीशन प्रोक्योर किया गया था USA से। इस एमनीशन की सहायता से जो हमारी 155 mm की आर्टिलरी गन्स हैं इनको एक्सटेंडेड रेंज मिलती है और टारगेट को हिट करने की जो एबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। मतलब हाई एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट किया जा सकता है आर्टिलरी गन के द्वारा। यह हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया सरंग आर्टिलरी गन के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये इंडेक्सेस रिलीज किए गए हैं। पहले बात करते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को लॉन्च करने का मकसद देखो ये है, इंडियन सिटीज के बारे में होलिस्टिक व्यू प्राप्त करना। किसके आधार पर? लोकल बॉडीज के द्वारा कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की इफेक्टिवनेस कितनी है, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उनसे आउटकम क्या निकल के आ रही हैं, लोगों का जो जीवन स्तर है वो इम्प्रूव हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और सर्विसेज के आउटकम से सिटीजन्स की परसेप्शन क्या है, मतलब नागरिकों को क्या लगता है कि सर्विसेज से उनको फ़ायदा हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। की ऑब्जेक्टिव्स ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के चार हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन को जनरेट करना जिससे पॉलिसी मेकिंग में आसानी हो, ऐसे एक्शन को प्रमोट करना जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसे जो डेवलपमेंटल आउटकम हैं उनको अचीव किया जा सके, इसके अलावा अर्बन लोकल बॉडीज की पॉलिसीज या फिर स्कीम्स से जो आउटकम अचीव की गई है उसे असेस करना, कंपेयर करना, चौथा ऑब्जेक्टिव सिटीजन्स की परसेप्शन के बारे में पता लगाना। देखो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स तीन पिलर्स के आधार पर, कौन कौन से तीन पिलर्स? क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। तीन पिलर्स, 14 कैटेगरीज और 50 इंडिकेटर्स के आधार पर तैयार किया गया है। इंडेक्स को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है ताकि 100 स्मार्ट सिटीज में और 14 दूसरी मिलियन प्लस सिटीज में क्वालिटी ऑफ लाइफ का पता लगाया जा सके। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करते हैं म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 के बारे में। इसका मकसद ये है
म्यूनसिपैलिटीज की परफॉर्मेंस को एसेस करना पांच इनेबलर्स के आधार पर, कौन से पांच इनेबलर्स हैं? सर्विस, फाइनेंस, प्लानिंग, टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस। पांच इनेबलर्स के अलावा 20 सेक्टर्स और 100 दूसरे इंडिकेटर्स को एसेस किया गया है म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 तैयार करने के लिए। फ़ायदा इससे ये होगा, म्यूनसिपैलिटीज़ बेटर प्लानिंग कर सकेंगे, बेटर मैनेजमेंट कर सकेंगे और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर कर सकेंगे। इससे नागरिकों का जो जीवन स्तर है वो इम्प्रूव होगा। सभी पार्टिसिपेटिंग सिटीज़ को नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना है इस इंडेक्स के लिए, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी सारा रेलिवेंट डेटा को कलेक्ट करना, एक जगह पर लेके आना अलग अलग डिपार्टमेंट से, और उनको अपलोड करना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ एक वेब पोर्टल पे, जिसको स्पेशली इसी पर्पज़ के साथ डिज़ाइन किया गया है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया लीव ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2019 के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज अजय वारियर 2020 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, अजय वारियर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूके की मिलिट्री के बीच ऑर्गेनाइज होती है, और इस एक्सरसाइज का पांचवा जो एडिशन है वो कंडक्ट होगा कहाँ पर? यूके में। यूके में सलिसबरी प्लेन्स में ये एक्सरसाइज कंडक्ट होगी। सबसे पहली बार ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी 2013 में। एम क्या है? एम देखो ये है, कंपनी लेवल की जॉइंट ट्रेनिंग कंडक्ट करना कि कैसे अर्बन एरियाज़ में और सेमी अर्बन एरियाज़ में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा सकते हैं। एम देखो इन एक्सरसाइजेस का सिंपल ही होता है। यूके और इंडिया के बीच दूसरी कौन सी एक्सरसाइजेस कंडक्ट होती हैं? कोंकण एक्सरसाइज। ये एनुअल मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज है जो इंडिया की नेवी और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच कंडक्ट होती है। इसके अलावा एक्सरसाइज इंद्रधनुष, ये जॉइंट बायलेटरल एयर एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूके की एयरफोर्स मिलकर कंडक्ट करती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल राड मिसाइल से संबंधित है। देखो ये पाकिस्तान की मिसाइल है, इसलिए क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। ये पाकिस्तान की क्रूज मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल है, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च किया जा सकता है इस मिसाइल की सहायता से। रेंज है 600 किलोमीटर, नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है और स्टेट ऑफ आर्ट गाइडेंस सिस्टम है। इंडिया की जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, इस मिसाइल का सामना करने के लिए या फिर ऐसी कैपेबिलिटी हासिल करने के लिए जैसी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के पास है, पाकिस्तान ने इस मिसाइल को डेवलप किया है। नेक्स्ट आर्टिकल IDSA से संबंधित है, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। ये देखो एक थिंक टैंक है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में। ये नॉन पार्टीशन ऑटोनोमस बॉडी है जो कि हमारे देश में डिफेंस एंड सिक्योरिटी से जुड़े एस्पेक्ट्स पर ऑब्जेक्टिव रिसर्च करती है और ऐसी स्टडी करती है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है पॉलिसीज़ को बनाने में। IDSA को फंड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा और ये बॉडी ऑटोनोमसली काम करती है। डिफेंस मिनिस्टर चेयरमैन हैं इस इंस्टीट्यूट की सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव कमेटी के। अभी कंटेक्स्ट ये है, यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि IDSA का नाम बदलकर रखा जाएगा मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। मतलब पहले नाम हुआ करता था IDSA, अब नाम होगा MP IDSA। समझ गए? चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सी होक हेलीकॉप्टर से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है हम 24 MH-60 सी होक हेलीकॉप्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स से खरीदेंगे ताकि इंडियन नेवी इन सी होक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर सके। ये जो सी होक हेलीकॉप्टर है ये मल्टी मिशन मैरीटाइम हेलीकॉप्टर है। इनको डेवलप किया गया है लॉकहीड मार्टिन के द्वारा, ये USA की कंपनी है। अभी US नेवी के द्वारा इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। देखो ये हेलीकॉप्टर्स काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे समुद्र में कोई सर्च ऑपरेशन चलाना हो, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना हो, किसी सबमरीन को डिस्ट्रॉय करना हो या फिर किसी शिप को डिस्ट्रॉय करना हो, कम्युनिकेशन के लिए, नेवल गन फायर सपोर्ट या फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट, मतलब सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो, इन सभी फंक्शंस को परफॉर्म किया जा सकता है सी होक हेलीकॉप्टर्स के द्वारा। हेलीकॉप्टर्स हेल फायर ए टू सरफेस मिसाइल से लैस होंगे और मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉर्पीडो से लैस होंगे।
टॉर्पीडोज, ये देखो सेल्फ प्रोपेल्ड अंडरवाटर मिसाइल होती हैं जिनको लॉन्च किया जाता है सबमरीन से, सरफेस वेसल से या फिर एयरप्लेन से। सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब होता है जो अपने आप से आगे मूव करें विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स। सिगार शेप की होते हैं ये टॉर्पेडोज। जैसे ही ये टॉर्पीडोज टकराते हैं शिप से या फिर सबमरीन से, एक्सप्लोजन हो जाता है और वेसल या फिर सबमरीन को नुकसान पहुंचता है। यह हमने आर्टिकल डिस्कस किया सी होक हेलीकॉप्टर से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज इंद्रधनुष से संबंधित है। देखो ये जो एक्सरसाइज है इंडिया और यूके की एयरफोर्स के द्वारा मिलकर कंडक्ट की जाती है। कंटेक्स्ट ये है, हाल ही में इस एक्सरसाइज का 5वां एडिशन स्टार्ट हुआ एयरफोर्स स्टेशन हिंडान में। सबसे पहली बार ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी 2006 में। उसके बाद से ही रेगुलरली इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है। इस बार की थीम है बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन। दूसरी एक्सरसाइजेस की बात करें जो इंडिया और यूके के द्वारा मिलकर कंडक्ट की जाती हैं, एक्सरसाइज कोंकन, ये देखो एनुअल मैरिटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज है, हर साल कंडक्ट होती है। यूके और इंडिया की नेवी मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करती हैं। नेक्स्ट है अजय वारियर, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो यूके और इंडिया की मिलिट्री के द्वारा मिलकर कंडक्ट की जाती है। सबसे पहली बार इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था 2013 में। चलते हैं आगे। इंपोर्टेंट आर्टिकल परनास मिसाइल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? इंडिया इस नई टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहा है जिसका नाम है परनास। परनास देखो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसको डेवलप किया जा रहा है डीआरडीओ के द्वारा, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये नॉन न्यूक्लियर मिसाइल है, यानी न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं लॉन्च किया जा सकता इस मिसाइल की सहायता से। मिसाइल में सिंगल स्टेज इंजन है और सिंगल स्टेज इंजन में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होगा। अभी देखो इस मिसाइल को इंडक्ट नहीं किया गया है, इवन ट्रायल होने में भी समय लगेगा। ऑलमोस्ट 2 सालों के बाद ट्रायल स्टार्ट होगा इस प्रनास मिसाइल का। मिसाइल की रेंज होगी 200 किलोमीटर। इस मिसाइल को इस्तेमाल किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के द्वारा दुश्मन देशों के टारगेट्स जो कि शॉर्ट रेंजेस पर हैं, ऑलमोस्ट 200 या फिर इससे कम किलोमीटर के डिस्टेंस पर, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। मिसाइल का निर्माण देखो इस प्रकार से किया जा रहा है ताकि मित्र देशों को ये मिसाइल एक्सपोर्ट भी की जा सके आसानी से, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं मिसाइल के एक्सपोर्ट करने से संबंधित, उन स्टैंडर्ड्स को भी पूरा किया जा रहा है इस मिसाइल की डेवलपमेंट में, ताकि जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको ये मिसाइल एक्सपोर्ट की जा सके। लास्ट में एक बात ये भी याद रखिएगा, परनास मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट आर्टिकल है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बारे में। क्या होता है देखिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप? तो देखिए ये एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप होता है एंड इसका काम होता है कि जो भी हमारे करेंटली प्राइम मिनिस्टर हैं या फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं एंड उनके फैमिली मेंबर्स, उनको ये सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का मेन फंक्शन क्या होता है, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का जो ये कंसेप्ट है वो कब आया था? तो वो देखिए जब इंदिरा गांधी जी हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको जो उनके ही 2 बॉडीगार्ड्स ने असैसिनेट कर दिया था 1985 में, तो उसके बाद देखिए जो स्पेशल एक कमेटी बनी एंड उस कमेटी का नाम था बीरबल नाथ कमेटी। तो इस कमेटी ने कहा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है एंड जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनके लिए एक स्पेशल एक्ट ऐसा बनाना चाहिए उनके नियर बाय किन्स एक्सेट्रा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फाइनली एसपीजी एक्ट पार्लियामेंट ने इनैक्ट कर दिया 1988 में। अब 2019 में क्या होता है कि जो ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है इसमें इस पर्टिकुलर जो एक्ट है इसमें अमेंड किया जाता है एंड इस अमेंडमेंट के थ्रू देखिए अब क्या है कि जो ये एसपीजी सिक्योरिटी है ये फॉर्मर जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको मिलेगी एंड जो उनके मेंबर्स ऑफ द इमीडिएट फैमिली है जो उनके साथ उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे रहते हैं तो उन लोग को ये स्पेशल सिक्योरिटी मिलेगी। उसके बाद देखिए सेम गोज फॉर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड जो उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर है जो उनके रेजिडेंस पे रहते हैं उनको मिलेगी। फिर देखिए ये जो स्पेशल सिक्योरिटी है ये 5 साल तक मिलेगी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को, यानी जैसे लेट से आज अगर प्राइम मिनिस्टर सीज टू एग्जिस्ट हो जाते हैं कि इन द सेंस आज उनका कार्यकाल खत्म है तो आज से 5 साल तक उनको जो अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को वो सिक्योरिटी। एंड एक चीज याद रखिएगा गाइस,
कि जो एसपीजी है, ये जो देखिए जो सिक्योरिटी होती है, या आप देख पा रहे हैं ये इस टाइप के होते हैं, ये देखिए इस टाइप के, तो ये जो होती हैं एसपीजी, ये प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ उनके ऑफिशियल वर्क पे ही नहीं प्रोटेक्ट करते, बट जैसे उनकी रैलीज हो रही हैं या लोकल फंक्शंस में कोई अटेंड कर रहे हैं, लेट से कोई पार्टीज एक्सेट्रा, तो वहां पे भी ये सिक्योरिटी उनके साथ चलती है। तो बस देखिए इसमें क्वेश्चन यही आ सकता है कि जो ये एसपीजी है ये एक एक्ट के थ्रू बना था, तो आप ये एक्ट का नाम ध्यान रखिएगा एंड इसका बेसिक फंक्शन क्या है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आर्टिकल है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, यानी आईडेक्स के बारे में। क्या है देखिए ये आईडेक्स, तो देखिए ये आईडेक्स इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है एंड इसके थ्रू देखिए क्या एम किया जाता है कि जो हमारे देश में डिफेंस के रिगार्डिंग जो टेक्नोलॉजी है, डिफेंस के रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, उसमें काफी अच्छा डेवलपमेंट किया जाए, इसका ये पर्टिकुलर एम है। आप सबको पता है कि हम जो हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो काफी हद तक हम लोग इंपोर्ट करते हैं डिफेंस, जैसे हम लोग इसराइल से करते हैं, रशिया से करते हैं, यूएस से करते हैं, तो इसीलिए अब ये आईडेक्स इनिशिएटिव के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एम कर रही है कि किस तरीके से जो इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी होती है, उस पर काफी अच्छा ध्यान दिया जाए। फिर ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है ये फंड एंड मैनेज किया जाएगा डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये चीज इसमें आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए मेन फंक्शन क्या होते हैं ये डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये जो पर्टिकुलर बॉडी है ये चेक करती है कि जो भी इसको रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है ये जो आईडेक्स इनिशिएटिव है इसके द्वारा, फिर उसके बाद जो भी हाई लेवल का पॉलिसी गाइडेंस देना है तो ये भी ये पर्टिकुलर बॉडी प्रोवाइड करती है। एंड अभी ये इनिशिएटिव क्यों न्यूज में आया, तो देखिए अभी रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इट इज ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट एंड इस इवेंट का जो नाम है डेफ कनेक्ट। क्या काम करेगा देखिए ये पर्टिकुलर इवेंट, तो ये पर्टिकुलर जो इवेंट है वो वेरियस जो आपकी स्टार्टअप्स है एक्सेट्रा डिफेंस सेक्टर में, जो आप कह सकते हो एंजल इन्वेस्टर्स है एक्सेट्रा, उनको ये पर्टिकुलर जो डेफ कनेक्ट है वो कनेक्ट करवाएगा ताकि जो स्टार्टअप इनोवेशन है हमारे देश का, स्टार्टअप इकोसिस्टम फॉर डिफेंस सेक्टर, ये बूस्ट हो सके, तो ये चीज आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है इमिग्रेशन सिस्टम के बारे में, तो क्यों न्यूज में आया है, तो देखिए अभी जो हमारी जो पार्लियामेंट है लोकसभा, उसमें जो हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने एक रिटन रिप्लाई किया, एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया था रिगार्डिंग इंडियाज इमिग्रेशन पॉलिसी, तो उस पर उन्होंने कुछ कुछ आंसर दिया। तो इस कंटेक्स्ट में हम लोग इंडिया में जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसको डिस्कस करते हैं, हम देखते हैं कौन कौन से एक्ट के थ्रू जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसको रेगुलेट किया जाता है। तो देखिए जो हमारे देश में, जो भी हमारे देश में एंट्री होती है फॉरेन नेशनल्स की, फिर उसके बाद जो उनका स्टे टाइम होता है या उनका जो ट्रांजिट होता है या उनका जो एग्जिट होता है, वो सब कुछ एक्ट्स के थ्रू गवर्न किए जाते हैं। एंड वो एक्ट्स है, सबसे पहला एक्ट है पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, उसके बाद फॉरेनर्स एक्ट 1946, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसके बाद है द इमिग्रेशन कैरियर लाइबिलिटी एक्ट 2000। तो ये सारे एक्ट हमारे देश में जितना भी ये मूवमेंट है, ट्रांजिट है, एग्जिट है, ये सबको गवर्न करते हैं। फिर देखिए एक बार हम लोग एक इस पर्टिकुलर बॉडी जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये जो बॉडी है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, इसको सेटअप किया गया था 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड इसका जो मेन टास्क था कि जो भी हमारे देश में इमिग्रेशन होता है उस फंक्शन को कैरी आउट किया जाए, तो इमिग्रेशन से रिगार्डिंग जो भी फंक्शंस एक्सेट्रा है वो इस पर्टिकुलर बॉडी के पास में है। कौन हेड करता है इस बॉडी को, तो इस बॉडी को देखिए हेड किया जाता है एक कमिश्नर ऑफ इमिग्रेशन के द्वारा, एंड इनको असिस्ट किया जाता है वेरियस फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के द्वारा। ये सब देखिए मिलके जो भी इमिग्रेशन फैसिलिटीज एक्सेट्रा है एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा पे, वहां पे ये लोग उसी में मदद करते हैं। एंड ये लोग जितना भी आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स है अंडर वेरियस एक्ट एंड रूल्स जो हमने पहले डिस्कस किए थे, उन सब के इम्प्लीमेंटेशन में इन लोग का हाथ होता है। अगर अभी हम लोग अब बात करें तो एट प्रेजेंट देखिए देर आर 12 फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, एंड ये जितनी भी मेजर सिटीज है जैसे आपकी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये इन सब जगह पे प्रेजेंट है।
नेक्स्ट आर्टिकल है स्पाइक एलआर मिसाइल के बारे में। तो देखिए यहाँ एलआर जो है ये आपका लॉन्ग रेंज है, ये आप ध्यान रखिएगा, स्पाइक लॉन्ग रेंज मिसाइल। तो एलआर चाहे तो आप लोग उतना याद मत रखिए, बट स्पाइक मिसाइल के बारे में ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए क्या होती है ये स्पाइक मिसाइल, तो ये आपकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। मतलब इसमें जो सामने जो पड़ोस है, जो हमारे एनिमी है, वो हम पे टैंक से प्रहार कर रहा है, तो अगर यहाँ पे हम इस स्पाइक मिसाइल को मारेंगे तो इनका टैंक फूट जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती है। फिर उसके बाद हम बात करें तो क्या ये पोर्टेबल है, तो इसका आंसर है हाँ। अगर आप लोग ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये इमेज को देख पा रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे कैसे ये पर्सन है इसको उठा के ले जा रहा है एंड ऐसे ये फायर कर दे रहा है, तो एज अ रिजल्ट जो ये टैंक है आपका यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए स्पाइक क्या होती है। स्पाइक एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये एक टॉर्पिडो है, ये एक नेवी का नेवल वेसल है या कोई एक्सरसाइज है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरा किसके द्वारा ये बनाया गया है, तो ये देखिए हमने डेवलप एंड डिजाइन किया गया है इसराइल के द्वारा, एंड इसराइल का जो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम है उसने इसको बनाया गया है। तो ये पहली बात इंडिजीनियस नहीं है, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इट इज अ फोर्थ जनरेशन मिसाइल दैट कैन एंगेज अ टारगेट विथ प्रिसीजन एट रेंज ऑफ 2-4 किलोमीटर। तो ये 4 किलोमीटर तक एंटी टैंक को फोड़ सकता है, टैंक को फोड़ सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसराइल है तो इसमें मैट्रिक्स मैच पूछा जा सकता है कि स्पाइक मिसाइल हमने कौन सी कंट्री से ली है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें फायर एंड फॉगेट कैपेबिलिटी, मीन्स कि एक बार इसको आपने फायर कर दिया तो उसके बाद आगे इसको गाइड करने की जरूरत नहीं है, ये अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी, ठीक है, अपने अपने जो पाथ है उसको खुद मॉडिफाई करते जाएगी। एक बार आपने टारगेट सेट कर दिया तो ये अपने आप को उस तरीके से एडजस्ट कर सकती है, यानी काफी फ्लेक्सिबल होती है, बस इसमें आप यही ध्यान रखिएगा। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।